हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन का जो टॉपिक है ये आपको एम कॉम एम बी ए में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो ये टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में एन टी ए यूजीसी नेट के एग्जाम में आपकी जो सेकेंड पेपर कॉमर्स का आता है मैनेजमेंट का आता है उसमें ये टॉपिक आपको देखने में मिलेगा जो यूनिट नंबर फोर्थ है जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस उसमें एसेट सिक्योरिटाइजेशन नाम से जो ये टॉपिक है वो आपको वहां पर दिखेगा तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन की तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट अगर हम समझे तो सिक्योरिटाइजेशन क्या कहता है की जो इन नेचर की जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज होती है जितनी भी हमारी एसेट्स होती है उसको हमें लिक्विड एंड मार्केटेबल एसेट्स में कन्वर्ट करना है और इसी कन्वर्जन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ होमोजेनियस इल लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स हमने क्या करना है सिक्योरिटाइजेशन क्या है सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे जो भी होमोजीनियस मतलब एक जैसी जो इल लिक्विड दो यहां पर टर्म्स आती हैं इल लिक्विड एंड लिक्विड फर्स्ट आती है हमारी इल लिक्विड इल लिक्विड का मतलब क्या होता है कुछ ऐसी एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम इल लिक्विड बोलते हैं और लिक्विड का मतलब क्या होता है वो एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स तो है? है जिसके अंदर हम हमारी जो नेचर की जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं एक जैसी फाइनेंशियल एसेट जो इन लिक्विड है और एक जैसी है उनको हम क्या करते हैं सबसे पहले पूल करते हैं पूल मतलब एक जगह पर हम उसे इकट्ठा करते हैं और उसको फिर रीपैकेज करते हैं रीपैकेज मतलब उसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज में करते हैं इंटू लिक्विड मार्केटेबल एसेट्स मतलब कि वो एसेट्स जो कि क्या है लिक्विड है जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और मार्केटेबल मतलब जिनको हम हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें हम सेल और परचेज कर सकते हैं उसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं दैट कैन बी सोल्ड इन फाइनेंशियल मार्केट जिसको फाइनेंशियल मार्केट में बेच सके और इसमें क्या होता है हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉर फ्री अब देर ब्लॉक कैपिटल क्योंकि यहां पर क्या होता है जब हमारी इन नेचर की हम बात करते हैं तो इन जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती है वो हमारी कैपिटल को ब्लॉक कर देती है क्योंकि इसको हम कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते या एक साल के अंदर उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते तो यहां पर हम हमारी ब्लॉक कैपिटल को अप करते हैं दैट मीन्स उसको हम लिक्विड जो एसेट है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां पर हमने इसे शॉर्ट वे में लिखने की कोशिश की है कि जो नॉन ट्रेडेबल एसेट है या इलिक्विड जो एसेट्स हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें ट्रेडेबल एसेट्स में या लिक्विड एसेट्स में ठीक है तो ये है अब यहां पर मैंने आपको कुछ लिक्विड और लिक्विड नेचर के कुछ एसेट्स यहां पे शो की है जो ये एसेट्स हैं वो इन लिक्विड है जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर इनको कैश में कन्वर्जन जो होती है वो डिफिकल्ट होती है और इनकी जो कन्वर्जन है वो ईजी होती है प्लस एक साल के अंदर अंदर एक साल से कम टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं इन सिक्योरिटीज को इन एसेट्स को हम हमारे जो कैश है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम यहां पर क्या करते हैं हम सबसे पहले इन सभी एसेट्स का क्या करते हैं पूल करते हैं और उसको फिर हम रीपैकेज करते हैं ताकि हम हमारे इस इलिक्विड लिक्विड टाइप की जो एसेट्स हैं उसको हम लिक्विड टाइप के एसेट्स में कन्वर्ट कर सके यही जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा है हमारा सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है कि किस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन की जाती है ये मैं आपको अभी इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें आपको सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस भी करवाऊंगी नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इन लिक्विड एसेट इन टू द लिक्विड एसेट ये मैंने आपको समझा ही दिया कि इन लिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं विच कैन इजिली बॉट एंड सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इजिली खरीद और बेच सकते हैं उसको उसी जो लिक्विड एसेट में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है अब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो यहां पर दो तरह की होती है फर्स्ट होता है हमारा मनी मार्केट और सेकेंड होती है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर हम हमारी जो सिक्योरिटी है उसको एक साल से कम के लिए अगर हम वहां पर ट्रेडिंग करते हैं तो वो हमारी मनी मार्केट होती है और कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें हमारी जो ट्रेडिंग होती है या फिर हम हमारी जो सिक्योरिटी है उसको होल्ड करके रखते हैं एक साल से ज्यादा के लिए हमें होल्डिंग करके रखते हैं तो वो हमारी कैपिटल मार्केट होती है अब जो तो हम अगर बात करें कि हमारी जो लिक्विड एसेट्स होती है हमने बात किया कि लिक्विड एसेट में कन्वर्जन करनी है तो इस कन्वर्जन के बेनिफिट क्या क्या होते हैं तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है प्रोवाइड गुड रिटर्न अगर हमारी जो एसेट है वो लिक्विड नेचर की हो जाती है तो उससे अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पर मिल जाते हैं रिस्क कम हो जाता है क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमें क्या है हमारी जो सिक्योरिटी की जो अमाउंट है वो मिल जाएगी नेक्स्ट आता है लो लॉक इन पीरियड लो लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर अंदर ही हमें क्या करना है उस सिक्योरिटी को सोल्ड आउट कर देना है तो यहाँ पर जो लिक्विड लिक्विड मतलब एक साल के अंदर अंदर वो बिक जाएगी सिक्योरिटी और हमें क्या है कैश में कन्वर्जन हो जाएगी तो यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है तो वो क्या होता है वो भी कम रहता है नेक्स्ट आता है क्विक एंड इजी रिडीम क्विक एंड इजी रिडीम क्या कहता है कि जो हमारी uh, लिक्विड एसेट होती हैं तो उसका जो रिडम्पशन होता है मतलब कि उसको हम अगर बाय बैक करते हैं या अगर उसको हम रिडीम करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्विकली हो जाती है और इजी हो जाती है इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी को फेस नहीं करना पड़ता क्योंकि इन लिक्विड में हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है लेकिन लिक्विड एसेट की रिडम्पशन या फिर रिडीम करना चाहते हैं लिक्विड एसेट को तो यहां पर ये बहुत ईजिल और क्विकली हो जाती है अब यहां पर एक एग्जाम्पल देखो जिसके थ्रू आपको आ, कुछ समझ आएगा कि सिक्योरिटाइजेशन में कहना क्या चाहते हैं तो यहाँ क्या कहता है कि एक बैंक है बैंक के पास एक कस्टमर आता है कि मुझे लोन दे दो तो यहाँ पर जो लोन है वो किसे दे दिया जाता है एक कस्टमर को दे दिया जाता है जो कि बैंक का कस्टमर है अब बैंक के कस्टमर को अगर बैंक ने लोन दिया है तो इन फ्यूचर जो वो लोन है उसकी रिपेमेंट बैंक को मिलेगी अगर बैंक को कोई पैसा मिलेगा तो उसकी क्या है उसकी एसेट बन जाती है और अगर वो उसकी एसेट है तो वो कहां पर शो होगी एसेट साइड में होगी तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है तो वो क्या है एसट एसेट बन जाती है एक बैंक के लिए दे कैन बी कॉल्ड लोन एसेट तो इसको हम क्या बोल सकते हैं लोन एसेट भी बोल सकते हैं लेकिन ये ये कैसी एसेट एसेट होती है ये एक नॉन ट्रेडेबल या फिर इन लिक्विड हम जिसे बोल सकते हैं जो कि नॉन लिक्विड है नॉन लिक्विड या इन लिक्विड एसेट जिसे हम बोल सकते हैं जो कि नॉन ट्रेडेबल होगी हम मार्केट में उसे सेल एंड परचेज नहीं कर सकते और यहां पर यही प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है कि, कि किस तरीके से हम हमारी जो ये नॉन ट्रेडेबल और नॉन लिक्विड इन लिक्विड जो हमारी एसेट्स है लोन है उसको हम लिक्विड कैसे बना सकते हैं यही हमारी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है अगर हम इन लोन को किस में कन्वर्ट कर दें मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दें जो कि लिक्विड नेचर की होती है मार्केटेबल मतलब सिक्योरिटीज होती है इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या मार्केट में सेल करके जो कैश है उसको हम जनरेट कर सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी है इसकी सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसमें एक मार्केटेबिलिटी होती है कि हम कभी भी जो हमारी सिक्योरिटी है उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और इसी सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन इज अ फाइनेंशियल इनोवेशन मतलब कि जो हम सिक्योरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं ये क्या है एक फाइनेंशियल इनोवेशन है मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है पैसों से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये क्या है एक इनोवेशन है इनोवेशन मतलब ये एक न्यू चीज है जो हमें देखने को मिली है इट इज अ प्रोसेस बाय फाइनेंशियल एसेट सच एज लोन रिसीवेबल्स क्रेडिट कार्ड बैलेंस हायर परचेज डेटर्स लीज रिसीवेबल्स ट्रेड डेटर्स एक्सेट्रा आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिक्योरिटीज कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे फाइनेंशियल नेचर की जो ये सारी चीजें हैं लोन है हमारे क्रेडिट कार्ड बैलेंस है हायर परचेज है ट्रेड डेटर्स है लीज रिसीवेबल्स लीज की अमाउंट हमें रिसीव होनी है इन फ्यूचर वो है तो इन सारी चीजों को जब हम हमारी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसको चेंज कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं दस एनी एसेट विद प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो कैन बी सिक्योरिटाइजेशन मतलब कोई ऐसी एसेट जिसमें से हमें पता है प्रिडिक्टेबल मतलब जिसमें हमारी जो आ, हम ये बोल सकते हैं हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन है कि हमें यहां से कैश फ्लो आएगा ही आएगा यहां से हमें रिसीव होगा होगा कैश सिर्फ उन्हीं एसेट्स को हम क्या कर सकते हैं सिक्योरिटाइज कर सकते हैं और किसी भी एसेट को यहां पे सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज हाउ सिक्योरिटाइजेशन वर्क कि किस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन की जाती है या फिर हम इसे दूसरा नाम दे सकते हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन है वो की जाती है तो ये जो क्वेश्चन है या ये जो कंसेप्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमारे लिए समझना जरूरी है कि सिक्योरिटाइजेशन के टाइप्स क्या है तो ये चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पे होगी साथ ही साथ पार्टीज इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन एंड देयर बेनिफिट्स कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सिक्योरिटाइजेशन में और वो क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं उन्हें किस टाइप का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है जिसकी वजह से वो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है इंडिया में क्या रोल है सिक्योरिटाइजेशन का तो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में सो वेट फॉर दिस वीडियो टाइप्स एंड मोड्स ऑफ सिक्योरटाइजेशन टाइप्स एंड मोड ऑफ सिक्योरटाइजेशन क्या कहता है कि सिक्योरिटाइजेशन को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं किन किन सिक्योरिटीज में हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन uh, है वो हो सकती है सबसे फर्स्ट कहता है एसेट बैक सिक्योरिटीज एसेट बैक सिक्योरिटीज जिन्हें हम इन शॉर्ट ए बी एस बोलते हैं एसेड बैक सिक्योरिटीज इसमें क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटाइजेशन की जाती है वो मूवेबल फिक्स एसेड की जाती है मूवेबल फिक्स एसेड मतलब वो एसेड जो फिक्स तो है एसेड जो एक साल से ज्यादा तक हमारे काम में आएंगी और उनपे जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसकी अमाउंट भी काफी ज्यादा है तो वो हमारी क्या होती है फिक्स्ड एसेट होती है लेकिन वो मूवेबल है मूवेबल मतलब ऐसी एसेट जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं तो वो क्या है मूवेबल है अब इन दोनों को जोड़ दो मतलब की एक ऐसी एसेट जो की फिक्सड है साथ ही साथ वो मूवेबल भी है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं प्लस उस पर क्या है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा लगी है और उसकी जो लाइफ स्पेन है वो भी एक साल से ज्यादा है और इस टाइप की जो एसेट्स हैं उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट होता है ट्रेस करना डिफिकल्ट क्यों होता है क्योंकि ये क्या है एक मूवेबल नेचर की एसेट्स होती हैं जो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकती हैं तो यहाँ पर जो ट्रेस है मतलब पता लगाना कि वो एसेट कहां पर है ये डिफिकल्ट हो जाता है बैक्ड बाय नॉन मॉर्गेज लोन नॉन मॉर्गेज लोन मतलब कि मॉर्गेज वाला लोन नहीं है मॉर्गेज में क्या होता है कि जो हमारी जो फिक्स्ड एसेट होती है जो इमूवेबल है जैसे कोई लैंड है कोई बिल्डिंग है उसको अगर हम गिरवी रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मॉर्गेज बोलते हैं लेकिन यहां पर लैंड और बिल्डिंग की बात तो हुई नहीं क्योंकि वो इमूवेबल में आ जाती है हम किसकी बात कर रहे हैं मूवेबल की जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं तो ये क्या हो जाता है ये नॉन मॉर्गेज लोन हो जाता है एसेट बैक सिक्योरिटीज आर बोन्ड डेट आर क्रिएटेड फ्रॉम कस्टमर डेट जो ये सिक्योरिटीज इस तरह के बोन्ड होते हैं जो की कस्टमर के डेट से क्या है क्रिएट किए जाते हैं वेन द कस्टमर बोरो मनी फ्रॉम द बैंक बैंक से जब भी एक कस्टमर या क्लाइंट जो है बैंक का वो बैंक से क्या करता है कुछ भी अमाउंट बोरो करता है या ये कहें कि लोन लेता है टू फंड अ न्यू कार किसी नए न्यू कार को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के डेट्स को पे करने के लिए या फिर जो ऑटो लोन्स हैं ऑटो लोन्स मतलब कि जो ऑटो व्हीकल्स होते हैं तो उनके लिए लोन लेता है होम इक्विटी के लिए लोन लेता है तो इन सभी चीजों के लिए जब भी लोन लिया जाता है और जो नेचर होता है इस लोन का इलिक्विड होता है और इस इलिक्विड नेचर को लिक्विड नेचर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिक्योरिटाइजेशन करते हैं और ये सिक्योरिटाइजेशन किन एसेट्स का होता है मूवेबल एसेट का दैट मीनस यहां पर देखो हमने किया कि कार हो गया क्रेडिट कार्ड हो गया ऑटो लोन्स गई तो ये चीजें क्या है हमारी क्या है मूवेबल एसेट्स होती है तो मूवेबल एसेट पर लोन लेना और उस आ, उसके बाद उस लोन को लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करना हमारी एबीएस है एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन है द एसेट आर देन सोल्ड टू अ ट्रस्ट तो इस एसेट को एक ट्रस्ट को बेच दिया जाता है जो कि एसपीवी के नाम से जानी जाती है जो मैं प्रोसेस में आपको करवाऊंगी कि ये ट्रस्ट कौन है या एसपीवी कैसे बोलते हैं कौन कौन एसपीवी में हो सकता है जिसका सोल पर्पज है? टू इश्यू बॉन्ड की बॉन्ड को इश्यू करना जो की इनसेक्योरिटी से बैक्ड होते हैं प्रोसेस टेक प्लेस इन कंसिडरेशन दिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर हम बात करें हमारे क्या है मूवेबल एसेट की तो मूवेबल एसेट्स पे हमेशा क्या है चार्ज होता है डेप्रीशियशन और अगर हम इनमुबल एसेट की बात करें तो उनपे डेप्रिशिएशन नहीं होता उनपे एप्रिशिएशन होता है एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर उनकी वैल्यू बढ़ती है जैसे हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है लेकिन अगर हम कार की बात करें तो कार क्या अगर हमने कार को खरीद लिया है तो उस कार की वैल्यू गिरती है वो कभी भी बढ़ेगी नहीं जैसे जैसे हम उसे यूज करेंगे तो डेप्रिशिएशन हमेशा माइनस होता है लेकिन अगर हम इमूवेबल एसेट्स की बात करें तो इमूवेबल एसेट जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में आएगी तो इमूवेबल में क्या होता है हमारे एप्रिसिएशन आता है अब जो हमारा एबीएस है इसको हम कुछ ट्रेंचेज में बांट देते हैं ट्रेंचेज किस तरीके से होते हैं देखो यहां पर जो एबीएस है एबीएस ऑफ एबीएस इसे हम बोलते हैं मतलब कि एसेट एसेट बैक बैक सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज ऑफ यहां पर क्या होता है कि जब भी हम एसेट्स को पूल करते हैं मैंने मीनिंग में ही आपको बताया था कि कुछ एसेट्स होती हैं जिन्हें हम पूल करते हैं उसके बाद हम उसे रीपैकेज करते हैं तो यहां पर जो एसेट्स होती हैं, उनको पहले पूल किया जाता है और फिर जो एक आ, मैंने आपको अभी बताया कि एक आ, ट्रस्ट होता है जिसे हम एसपीवी बोलते हैं स्पेशल पर्प व्हीकल तो ये क्या करती है इसे कुछ ट्रेंचेज में बांट देती है किस तरीके से जैसे ये जो पूल है वो हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट का सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है वो सीनियर ट्रेंच को दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल 80% परसेंट ठीक है सबसे ज्यादा किसको देंगे सीनियर ट्रेंच को नाम से क्लियर है सीनियर फिर आता है मेज नाइन मेज नाइन को मिडल ट्रेंच भी बोल सकते हैं जिसके अंदर हमारा ना ही बहुत ज्यादा कम हम हिस्सा उसको देंगे ना ही बहुत ज्यादा देंगे तो मतलब कि इतना ज्यादा भी नहीं देना और इतना कम भी नहीं देना इसमें हम मिडल सी अमाउंट रखते हैं जैसे कि इसमें हमने फिफ्टीन रखा है थर्ड जो होता है इसे हम बोलते हैं इक्विटी ट्रांचेस और इक्विटी ट्रांचेज का जो दूसरा नाम है दैट इज जूनियर ट्रांच जूनियर ट्रांचेस में क्या होता है कि सबसे कम जो 100 परसेंट एसेट पूल जो है वो 100 परसेंट है तो 100 परसेंट का सबसे कम जो पार्ट है वो किसे दिया जाता है इक्विटी ट्रांच को दिया जाता है फिर उसके बाद इनके आगे ट्रांच बनाए जाते हैं एबीएस ऑफ एबीएस मतलब कि एबीएस को भी आगे एबीएस में डिवाइड करना है मतलब ये तो हमने क्या कर दिया एसेट बैक सिक्योरिटीज इतनी प्रोसेस कर दी इसकी भी आगे हमें एसेट बैक सिक्योरिटी करनी है जैसे कि जो सीनियर ट्रांच है सीनियर ट्रांच को भी तीन हिस्सों में बांटा जाएगा सबसे फर्स्ट सीनियर ट्रांच मेजनाइन नाइन ट्रांच एंड लास्ट इज इक्विटी ट्राँच। तीन ट्रांसेस में हमने बांट दिया अब जो मेज, मेज नाइन ट्रांच है इसको भी हम तीन में बांटेंगे फर्स्ट इज सीनियर मेज नाइन एंड इक्विटी जो इक्विटी है इसको भी तीन में बांटेंगे कि पांच परसेंट का भी हाईएस्ट पार्ट कहां है फिर हमारा जो मिडिल पार्ट है फिर हमारा जो सबसे कम वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं सीनियर ट्रांच मेज नाइन ट्रांच एंड इक्विटी ट्रांच जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हमने मैंने सिर्फ यहां पर एक ही एबीएस को करके दिखाया जो कि मैंने मेज नाइन को उठा लिया है मेज नाइन जो है वो फिफ्टीन परसेंट है फिफ्टीन परसेंट का सिक्सटी फाइव परसेंट अब यहां पर ये नहीं है कि हंड्रेड 100 का आप सिक्सटी फाइव लेके रहे हो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हमने पहले हंड्रेड का फिफ्टीन किया और अब जो फिफ्टीन परसेंट निकला है उस 15 का सिक्सटी फाइव परसेंट इसी फिफ्टीन परसेंट का ट्वेंटी फाइव परसेंट और इसी फिफ्टीन परसेंट का टेन परसेंट हमें जो इन ट्रांसेज है उनमें डिवाइड करना है अब बात आती है इनके रेटेड की मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिपल ए रेटेड डबल बी रेटेड सी रेटेड तो यहाँ पर जो सीनियर ट्रांच होता है जिसे हम सबसे ज्यादा पोर्शन देते हैं उसको हम ट्रिपल ए रेट देते हैं जो ये रेटिंग है वो कौन प्रोवाइड करेंगे हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो प्रोवाइड करती है आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी तरह के जो रेट हैं वो दिए जाते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो सीनियर ट्रांच है उसे क्या मिलता है ट्रिपल ए की रेटिंग मिलती है जो मेजर ट्रांच है उसे डबल बी की रेटिंग मिलती है और जो हमारे इक्विटी ट्रांच होते हैं इसे सिंगल सी की आ, रेटिंग मिलती है इसके आगे जैसे हम इसमें आ, हमने और ट्रांचेस बांटे थे तो उसी तरीके से ही ट्रिपल ए डबल बी एंड सी इस तरीके से जो हमारा एबीएस एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन जो एक टाइप था हमारे सिक्योरिटाइजेशन का वो कंप्लीट होता है सेकेंड टाइप इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या कहता है कि जो इमूवेबल फिक्स्ड एसेट हमने एसेट बैक सिक्योरिटी में मोवेबल किया था फिक्स्ड एसेट दोनों में है फिक्स मतलब वो एसेट जो एक साल से ज्यादा के लिए हमारे काम में आती है जिनका जो लाइफ स्पैन है वो एक साल से ज्यादा होता है प्लस जिनपे जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है वो ज्यादा होती है तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है फिक्स्ड एसेट के अंदर दो टाइप आ जाते हैं मूवेबल और इमूवेबल मूवेबल कहां चला गया हमारा एसेट बैक सिक्योरिटी में चला गया इमूवेबल कहां आएगा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में तो यहां पर इमूवेबल फिक्स्ड एसेट जो है वो मूवेबल बैक सिक्योरिटीज का पार्ट है जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं एसेट बैक सिक्योरिटी जो हमने पहले किया उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें मूवेबल एसेट्स की बात होती थी यहां पर इमूवेबल एसेट्स की बात हो रही है जो कि ट्रेसेबल है जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये जमीन के साथ जुड़ी हुई है इनको हम हिला नहीं सकते। और इस पे क्या है मॉर्गेज होता है जो एसेट बैक सिक्योरिटीज थी वो नॉन मॉर्गेज एसेट थी मतलब कि उसपे हमारी जो मॉर्गेज है वो नहीं होती थी क्योंकि जो हमारी मॉर्गेज होती है वो इमूवेबल एसेट पे होती है तो यहां पर जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है नाम से ही क्लियर है कि यहां पे जो एसेट है उसमें मॉर्गेज की जाएगी दैट मीनस कोई भी एसेट है उसको गिरवी रखा जाएगा तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज आर बॉन्ड्स दैट आर सिक्योर्ड बाय होम एंड रियल इस्टेट लोन्स होम लोन्स या फिर जो रियल इस्टेट मतलब कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लोन्स होते हैं उसमें जो सिक्योरिटाइजेशन की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बोलते हैं लेंडर हैज राइट टू सेल प्रॉपर्टी इफ ब्रोवर डिफॉल्ट अगर जो है ब्रोवर जिसने पैसे लोन लिया है बैंक से अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको लैंडर बेच के अपने जो पैसा है उसको रिकवर कर सकता है देर आर क्रिएटेड वेन लार्ज नंबर ऑफ लोन आर पोल्ड टूगेदर ये जो है वो तब किया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ लोन है उसको हम इकट्ठा कर देते हैं और उसको उस पुल को हम गवर्नमेंट एजेंसीज को बेच देते हैं और उन सिक्योरिटीज फॉर्म को बेच देते हैं जो इन कोलेट्रल सिक्योरिटीज का क्या है यूज करते हैं और इन्हें आगे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में लगा देते हैं और मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारी एबीएस थी एसेट बैक सिक्योरिटी थी उस पर डेप्रिसिएशन होता है और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी पे एप्रिसिएशन होता है क्योंकि इसमें जो एसेट की वैल्यू होती है वो बढ़ती है अब जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है इसको हम फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट इज कॉमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी एंड सेकेंड इज रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या कहता है कि अगर हमारी जो सिक्योरिटीज जिनको हम मॉर्गेज रख रहे हैं तो वो अगर कमर्शियल कॉमर्स मतलब हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं सी मतलब है. कि कॉमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बोलते हैं जैसे की दीज आर द बॉन्ड्स दैट आर बैक्ड बाय पूल ऑफ कॉमर्शियल एसेट मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट्स हैं उनको अगर हम मॉर्गेज कर रहे हैं तो वो हमारी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज हो गई जैसे कि इंडस्ट्रियल लैंड इंडस्ट्री हमारे बिजनेस से रिलेटेड होगी और इस लैंड के बदले में हम लोन लेते हैं उसको बाद में जो बैंक है वो सिक्योरिटाइज करवा देता है तो उसको कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी बोलते हैं जिस तरीके से हमने लैंड की बात की उसी तरीके से हमारी जो फैक्ट्रीज होगी कोई ऐसा प्लांट हो गया जहां पर बिजनेस वर्क चल रहा है या फिर ऑफिस बिल्डिंग होगी तो इन सभी चीजों पर जब भी हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन करवाया जाएगा तो उसको हम कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बोलते हैं नेक्स्ट आता है रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी सेम वही चीज चलेगी लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी हमारी रेजिडेंशियल नेचर की होगी रेजिडेंशियल मतलब हमारे खुद के घर से रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी तो मतलब की दीज आर द बॉन्ड ट आर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ हाउस एक हाउस जहां पर हम रह रहे हैं लैंड प्रॉपर्टी एंड वेरियस अदर वेरिएबल बिलोंगिंग्स इन सभी चीजों से रिलेटेड जो है वो हमारी रेजिडेंशियल मॉर्गेज होगी अब यहां पर मैंने ज्वेलरी नहीं बोला ज्वेलरी अगर आप कहो तो ये क्या है एक मूवेबल एसेट है लेकिन हम मॉर्गेज में क्या लेके चलते हैं इमूवेबल को लेके चलते हैं लेकिन यहाँ पर जो ज्वेलरी है उसमें एक बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी है वो क्या है एप्रिसिएशन की हमने यहां पर किया कि जो एसेट है वैल्यू में एप्रिसिएशन होगी तो वो क्या होती है हमारी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी होती है और जो हमारी ज्वेलरी होती है फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है सिल्वर है तो इसके रेट जो होते हैं वैल्यू जो होती है ये बढ़ती रहती है तो इसलिए जो ये ज्वेलरी है इसको हम क्या करते हैं हमारे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में लेते हैं और इसे रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में लेते हैं क्योंकि जो ज्वेलरी होती है वो रेजिडेंशियल पर्सन से रिलेटेड होती है थर्ड टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज कोलेक्ट्रलाइज डेट ऑब्लिगेशन जिसे हम सी डी ओ बोलते हैं दीज आर द दॉन्ड्स विच आर डिजाइंड बाय रीपुलग एंड रीबंडलिंग ऑफ पर्सनल डेट टू बी मार्केटेड इन सेकेंडरी मार्केट फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स मतलब कि ये वो वाले बॉन्ड्स होते हैं ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम डिजाइन करते हैं ताकि हम उन्हें रीपूल कर सके रीपूल मतलब जिनको हम दोबारा से इकट्ठा कर सके तो वो क्या है हमारे रीपूलिंग है और रीबंडलिंग का मतलब भी यही है कि उनको हम दोबारा से इकट्ठा कर सके और अब रीपूलिंग एंड रीबंडलिंग करना किसका है पर्सनल डेट का करना है तो पर्सनल डेट की रीपुलिंग एंड रीबंडलिंग करते हैं जिसको हम हमारे सेकेंडरी मार्केट में मार्केटेड कर सकते हैं दैट मीन्स जिसको हम बेच सकते हैं किसके लिए फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर जो आज तो हमारे इन्वेस्टर्स नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो लोग हमारे इन्वेस्टर्स बन सकते हैं तो उनके लिए जब भी हम हमारी सिक्योरिटाइज मार्केट में हमारे जो पर्सनल डेट्स हैं उनको रीपूल करते हैं रीबंडलिंग करते हैं ताकि उनको खरीदा और बेचा सके सेकेंडरी मार्केट में तो उसे हम कोलेट्रलाइज डेट ऑब्लीगेशन बोलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इज़ फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन जिसे हम एफ एफ एस बोल सकते हैं तो ये क्या है फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन इसके अंदर क्या होता है जो कंपनी है इश्यू करती है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को या सिक्योरिटीज को अगेंस्ट द फ्यूचर डेट रिसीवेबल्स मतलब कि हमारे जो आ, डेट है वो कब रिसीव होंगे हमारे फ्यूचर में रिसीव होंगे और इसी के अगेंस्ट क्या है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज को इश्यू कर दिया जाता है ऑल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर मेट बाय द कंपनी थ्रू इट्स रूटीन बिजनेस ऑपरेशन अब जो रूटीन के बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस है वो किसी प्रोडक्ट product की प्रोडक्शन कर रही है तो उस प्रोडक्शन से और तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग से जो पैसा आएगा तो उसी से हमारी जो कंपनी के इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पे आउट किया जाएगा सच ऑब्लीगेशन्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द फ्यूचर रिसीवेबल्स और जो ये ऑब्लीगेशन है वो किससे सिक्योर्ड होती हैं सिक्योर्ड होती हैं फॉर द फ्यूचर रिसीवेबल्स मतलब कि फ्यूचर के जितने भी रिसिवेबल्स हैं जो पैसे हमें फ्यूचर में रिसीव होने हैं उनके अगेंस्ट ये जो हमारे ऑब्लिगेशन है उनको सिक्योर्ड किया जाता है सिक्योरिटाइजेशन का लास्ट टाइप क्या कहता है कि होल बिजनेस सिक्योरिटाइजेशन इसमें क्या होता है कि हम हमारे पूरे बिजनेस को इंटायर बिजनेस को जब हम सिक्योरिटाइज करवा लेते हैं हमें पता है कि आने वाले टाइम में इन इन जगहों से हमें पैसे आने हैं हमारे बिजनेस में मोस्टली पैसे हमें बाहर से रिसीव होने हैं फ्यूचर फ्लोज हमें मिलने हैं तो हम उन सभी जो रिसीवेबल्स हैं जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने हैं उन सभी का अगर हम सिक्योरिटाइजेशन करवा लेते हैं दैट मीन्स हमने क्या कर लिया हमारे पूरे बिजनेस को ही सिक्योरिटाइज करो लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं हुल बिजनेस सिक्योरिटाइजेशन या फिर हमारा डब्ल्यू बी एस हुल बिजनेस सिक्योरिटाइजेशन अब हमने पांच तरह की सिक्योरिटाइजेशन की फर्स्ट इज एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन सेकंड इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटाइजेशन थर्ड कोलेक्ट्राइज डेट ऑब्लिगेशन फोर्थ हमारा है फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन फिफ्थ है होल बिजनेस सिक्योरिटाइजेशन अब इसमें जो मैंने आपको पहले दो करवाए थे एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटाइजेशन दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो लास्ट वाले थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो मैंने ये लास्ट तीन करवाए हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटाइजेशन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन तो दैट्स ऑल फॉर टूडे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली